ज्योतिष ज्ञान चैनल के सदस्य बन अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष ज्ञान चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि अपलोड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अभिजीत शर्मा हमारे आपके हम सबके चैनल ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके हाथ की उंगलियों के बीच में दिखने वाले गैप के बारे में। यह एक बड़ा ही रोचक विषय है जिसका हस्तरेखा शास्त्र में उल्लेख किया गया है। किसी भी व्यक्ति की उंगलियों के बीच में दिखने वाले गैप को देखकर आप उस व्यक्ति के आचार विचार स्वभाव व आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार उंगलियों के बीच में दिखने वाले गैप को तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए जानते हैं आपकी उंगलियों के बीच में दिखने वाला गैप क्या संकेत देता है आपके बारे में। जिन लोगों का हाथ सीधा करने पर चारों उंगलियों में दिखता है गैप, ऐसे लोग मन के बहुत साफ और ईमानदार होते हैं। इनकी सोच अन्य लोगों से अलग हटकर होती है। यह लोग पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे लोग साधारण जीवन व उच्च विचार के धनी पाए जाते हैं। किंतु यदि यहाँ बात करें इनमें पाई जाने वाली कुछ कमियों की, तो यह लोग आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। प्रत्येक कार्य को आज कर लेंगे कल कर लेंगे पर ही टालते रहते हैं, और इसी कारण इनका भाग्य इनका साथ नहीं दे पाता। इनकी जीवन शैली में भी आपको परफेक्टनेस देखने को नहीं मिलेगी। यह लोग अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। जो सोच लिया वही कार्य करना है, फिर दूसरा व्यक्ति इन्हें कितना ही कुछ बोल दे, करते वही हैं जो इनका मन कहता है। किंतु हाँ, यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि इनका विवाह पश्चात भाग्य उदय हो जाता है। विवाह पश्चात इन्हें जीवन में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। प्रारंभिक दौर में इन्हें करियर से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किंतु 28 वर्ष बाद इनका भाग्य उदय ने शीघ्रता से अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता है। बात करें यदि उंगलियों में दिखने वाली दूसरी आकृति की, तो जिन व्यक्तियों का हाथ सीधा करने पर चारों उंगलियों में से दो उंगलियों में गैप दिखे, ऐसे लोग अपने कर्म को लेकर बहुत ही कर्मिष्ठी होते हैं, किंतु वक्त की अहमियत को कई बार नहीं समझ पाते और जीवन में यह भी आलस्य प्रवृत्ति के अधीन पाए जाते हैं। किंतु यहाँ मैं आपको बता दूं कि जिन व्यक्तियों की हाथ सीधा करने पर दो उंगलियों में गैप दिखता है, ऐसे व्यक्ति यदि आलस्य को त्याग अपने कर्म को महत्व दे तो जीवन में समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने कर्म के प्रति दृढ़ होना इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि ऐसी उंगली वाले जातकों को हस्तरेखा शास्त्र अनुसार कर्मिष्ठी की संज्ञा दी गई है। अर्थात यह लोग अपनी कर्म दक्षता के दम पर अपना भाग्य लिखते हैं। इन्हें इनकी मेहनत अनुसार फल अवश्य मिलता है। यह लोग यदि अपने कर्म पर विश्वास रखें और आलस्यों को त्याग दें तो इन्हें जीवन में सफलता मिलना तय है। जिन व्यक्तियों की हाथ सीधा करने पर दो उंगलियों में गैप दिखता है, ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय 26 वर्ष के पश्चात होना प्रारंभ हो जाता है। बात करें यदि आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति के मामले में यह लोग बहुत ना ज़्यादा ऊपर होते हैं ना ज़्यादा नीचे, मध्यम स्थिति में यह लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं उंगलियों की तीसरी बनावट के बारे में। जिन व्यक्तियों की उंगलियां सीधी करने पर किसी भी उंगली में गैप ना दिखे, शास्त्र मत अनुसार ऐसे व्यक्तियों को बताया गया है अति भाग्यशाली। जी हाँ, ऐसे व्यक्तियों को समाज परिवार में यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों के पास पर्याप्त ज्ञान होता है, वह आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। इनका स्वभाव व बोलने की शैली लोगों को इनकी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे लोगों को जीवन में बहुत श्रेष्ठ मुकाम हासिल होते हैं। यह लोग जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार होते हैं, वह अपनी दक्षता के आधार पर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इन लोगों को समस्त प्रकार के भौतिक सुख जीवन में अवश्य प्राप्त होते हैं। बात करें यदि परिवार की, तो परिवार में भी इन लोगों को विशेष रूप से स्नेह प्राप्त होता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।